आईपीएल 2023 के पहले मुकाबलों के लिए घोषित हुई सभी टीमों की प्लेइंग 11 इन दमदार खिलाड़ियों के साथ उतरेगी आईपीएल में सभी टीमें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। आईपीएल 2023 का आगाज जो कि 31 मार्च से शुरू होने जा रहा है, इन मुकाबलों को लेकर सभी टीमों की प्लेइंग 11 घोषित हो चुकी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार सभी टीमों की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है, साथ ही हम आपको बताएंगे कि ये मुकाबले कब शुरू होंगे और आईपीएल का पहला मुकाबला किन किन टीमों के बीच खेला जाएगा। सभी टीमों की प्लेइंग 11 इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए बने रहे इस वीडियो का आखिर तक, और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, और साथ ही साथ इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। अगर आप भी चाहते हैं कि आईपीएल 2023 की विनर टीम आपकी फेवरेट टीम शानदार जीत दर्ज करे तो दोस्तों, आईपीएल का आगाज जो कि 31 मार्च से शुरू होने जा रहा है, जहां पर पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाना है। इन मुकाबलों को लेकर हम सभी टीमों की प्लेइंग 11 की बात करें तो सबसे पहले हम बात करें यहां पर लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम के बारे में। तो इस टीम की ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो यहां पर ओपनिंग जोड़ी के रूप में हमें केएल राहुल और क्विंटन डिको खेलते हुए दिखेंगे। इसके साथ ही मिडिल ऑर्डर की बात करें तो यहां पर दीपक हुड्डा, निकोलस पूरन और आयुष बडोनी को मौका मिलेगा। तो वहीं पर गेंदबाजी में यहां पर लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम में शामिल होंगे रवि बिश्नोई, मोहसिन खान, मार्क हुड और आवेश खान जैसे खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। इसके बाद हम बात करें यहां पर राजस्थान रॉयल्स की टीम के बारे में। तो इस टीम की तरफ से ओपनिंग जोड़ी में हमें खेलते हुए दिखेंगे यहां पर यशस्वी जायसवाल के साथ जोस बटलर। तो इसके साथ ही मिडल ऑर्डर में हमें खेलते हुए दिखेंगे संजू सैमसंग, देवदत्त पार्टिकल, सिमरन हेडमायर और रियान पराग। इसके साथ ही इस टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ियों में शामिल रहेंगे यहाँ पर जैसन होल्डर। तो वहीं पर स्पिनर्स का रोल निभाएंगे यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन और युजवेंद्र चहल। इसके अलावा पेसर्स की हम बात करें तो यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट और प्रसिद्ध कृष्णा को मौका मिलेगा। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बारे में। तो इस टीम में भी शानदार खिलाड़ियों को जोड़ा गया है। जहाँ पर इस टीम की ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो यहाँ पर ओपनिंग जोड़ी में हमें खेलते हुए दिखेंगे रहमान उल्लाह गुरबाज, जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज है, इनके साथ होंगे यहाँ पर वेंकटेश अय्यर। तो इसी के साथ ही हम बात करें मिडल ऑर्डर की, तो मिडल ऑर्डर में हमें खेलते हुए दिखेंगे कप्तान सरेश अय्यर। तो वहीं पर नीतीश राणा और रिंकू सिंह को मिडल ऑर्डर में मौका मिलेगा। ऑलराउंडर खिलाड़ियों के तौर पर आंद्रे रसल, सुनील नारायण, शार्दुल ठाकुर टीम में शामिल होंगे। तो वहीं पर गेंदबाजी में हमें खेलते हुए दिखेंगे यहाँ पर उमेश यादव, लोकी फर्ग्यूसन और वरुण चक्रवर्ती। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। तो इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करेंगे यहाँ पर पृथ्वी शो के साथ डेविड वार्नर। तो वहीं पर मिडल ऑर्डर में खेलते हुए दिखेंगे कप्तान ऋषभ पंत, जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज है, इनके साथ ही यहाँ पर मिचेल मार्क्स और रिले रोसवे को मौका मिलेगा। तो इसके बाद हम बात करें लोअर ऑर्डर की, तो यहाँ पर मनीष पांडे और अक्षर पटेल शामिल रहेंगे। तो वहीं पर गेंदबाजी में टीम में शामिल रहेंगे एंड्रिक नोर्तिया, इसके साथ ही कुलदीप यादव, खलील अहमद और चेतन साकरिया। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर गुजरात टाइटन्स की टीम के बारे में। तो इस टीम की ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो यहाँ पर सुमन गिल के साथ विकेट कीपर बल्लेबाज रिद्धिमान शाह हमें ओपनिंग जोड़ी में खेलते हुए दिखेंगे। तो वहीं पर मिडल ऑर्डर में हमें खेलते हुए दिखेंगे के एन विलियमसन, अभिनव मनोर और डेविड मिलर। इसके बाद ऑलराउंडर खिलाड़ियों की बात करें तो यहाँ पर कप्तान हार्दिक पांड्या, राहुल तेवटिया और राशिद खान जैसे तीन ऑलराउंडर खिलाड़ी टीम में शामिल रहेंगे। तो वहीं पर गेंदबाजी का रोल निभाते हुए दिखेंगे यहाँ पर मोहम्मद शमी, अलजारी जोसेफ और शिवम मावी। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर पंजाब किंग्स की टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। तो पंजाब किंग्स की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करेंगे शिखर धवन के साथ जॉनी बेरिस्टो। तो इसके बाद हम बात करें मिडल ऑर्डर की, तो मिडल ऑर्डर में इस टीम में शामिल रहेंगे शाहरुख खान, लियाम लिविंगस्टोन, जितेश शर्मा। इसके बाद ऑलराउंडर खिलाड़ियों की बात करें तो यहाँ पर सैम कुरन और ऋषि धवन को मौका मिलेगा। तो वहीं पर गेंदबाजी में शामिल रहेंगे यहाँ पर कगिसो रबाड़ा, हरप्रीत बराड़ और अर्शदीप सिंह, राहुल चहार टीम में गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे। इसके बाद हम बात करें सनराइज हैदराबाद की टीम के बारे में। तो इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करेंगे मयंक अग्रवाल के साथ अभिषेक शर्मा। तो वहीं पर मिडल ऑर्डर में हमें खेलते हुए दिखेंगे राहुल त्रिपाठी, एडन मार्करम, हैरी ब्रुक्स और हेनरी क्लासेन यहाँ पर मिडल ऑर्डर के बल्लेबाजों की भूमिका निभाते हुए दिखेंगे। तो वहीं पर ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर वॉशिंगटन सुंदर टीम में शामिल है। तो वहीं पर गेंदबाजी का रोल निभाते हुए दिखेंगे यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार, आदिल रशीद, टी नटराजन और उमरान मलिक। इसके बाद अब हम बात करें यहाँ पर मुंबई इंडियंस की टीम
टीम की प्लेइंग 11 के बारे में, तो इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करेंगे कप्तान रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन, तो वहीं पर मिडल ऑर्डर में शामिल रहेंगे सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और ट्रिस्टन स्टब्स। तो वहीं पर लोअर ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर कैमरून ग्रीड टीम डेविड जोफ्रा आर्चर्स टीम का हिस्सा है, तो वहीं पर गेंदबाजी के तौर पर कुमार कार्तिकेय, जसप्रीत बुमराह और अरशद खान टीम में शामिल रहेंगे। तो इसके बाद हम बात करें यहाँ पर आरसीबी की टीम के बारे में, तो आरसीबी की टीम में भी कई शानदार खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करेंगे कप्तान फाफ डुप्लेसिस के साथ विराट कोहली, तो वहीं पर लोअर ऑर्डर में शामिल रहेंगे यहाँ पर दिनेश कार्तिक जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज है, तो इसके साथ ही शाहबाज अहमद और वनिंदु हसरंगा को मौका मिलेगा। तो वहीं पर मिडल ऑर्डर में शामिल रहेंगे यहाँ पर रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल और महिपाल लोमलोर। तो वहीं पर गेंदबाजों की हम बात करें तो गेंदबाजी में हर्षल पटेल, जोस हेजलवुड और मोहम्मद सिराज को मौका मिलेगा। यानी कि यहाँ पर देखें तो आरसीबी की टीम भी कई दमदार खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतर रही है। इसके बाद हम बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के बारे में, तो महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी प्लेइंग 11 में कई शानदार खिलाड़ियों को जोड़ा है, जहाँ पर पारी की शुरुआत करेंगे डेविड कॉनवे के साथ ऋतुराज गायकवाड़। डेविन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करते हुए दिखेंगे। तो वहीं पर मिडल ऑर्डर में मोहिन अली, अंबाती राइडू और बेन स्टोक्स टीम का हिस्सा रहेंगे, तो वहीं पर लोअर ऑर्डर में रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी और शिवम दुबे हमें खेलते हुए दिखेंगे। तो वहीं पर गेंदबाजी के तौर पर दीपक चाहर, महेश तिक्षणा और मुकेश चौधरी को मौका मिलेगा। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो 10वीं टीमों की प्लेइंग 11 में काफ़ी शानदार खिलाड़ियों को मौका मिला है। तो दोस्तों आपके हिसाब से यहाँ पर कौन सी टीम पहले मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करेगी कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।